उज्जैन जिले के तराना में रविवार सुबह से ही स्थानीय महिदपुर नाके पर अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रशासन एवं पुलिस द्वारा की गई चालानी कार्रवाई के दौरान रक्षाबंधन पर्व को लेकर आने जाने वाले भाई बहनों के चालान भी काटे गए। पत्रकारों के पहुंचने के बाद अनुविभागीय अधिकारी ने भाई बहनों के चालानी कार्रवाई रुकवाई और जिस वाहन पर महिलाएं बैठी है उन्हें चालान नहीं काटने के लिए निर्देशित किया। जिलाधीश द्वारा मिठाई एवं राखी की दुकानें खोलने के आदेश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा मुनादी नहीं कराने और अनभिज्ञता के कारण अन्य दुकानदारों ने भी दुकानें खोल ली तो अनभिज्ञता के कारण कुछ पुलिस के जवान राखी की दुकानें बंद करवाने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद दुकान खुलवाने के लिए पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक महेश परमार की मांग पर जिलाधीश द्वारा राखी मिठाई की दुकान खोलने के आदेश की जानकारी दी गई। तब पुलिस जवान ने अपनी भूल स्वीकार कर 4 बजे पुलिस वाहन द्वारा प्रचार प्रसार कर मिठाई एवं राखी की दुकानों को छोड़ अन्य दुकानों को बंद कराया। सभी लोगों को पता है कि आज लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग बड़े गांवों में ड्यूटी लगी हुई है और उसी में पेट्रोलिंग भी लगी हुई है। हम लोग भी अभी पेट्रोलिंग करते हुए घटिया से जलवा, दौलतपुर, बिछरोद, मालीखेड़ी होकर के अभी नज़रपुर पर आए हैं। जो अभी तक की कार्रवाई है उसमें लगभग 37 चालान बनाए जा चुके हैं। ये आज लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन में लगातार ये जारी रहेंगे और फिर जैसा आदेश अग्रिम आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। उज्जैन जिले से अर्पित बुराना की रिपोर्ट।